चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की, जिसमें चुनावों में 8 मंत्रियों को मिली हार के बारे में चर्चा की गई। साथ ही 75 प्लस के टारगेट को हासिल ना कर पाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी नेता कर्णदेव कंबोज ने बताया कि बैठक में हार के कारणों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। बैठक में सुभाष बराला, ओपी धनखड़, अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। अब आपसे विचार विमर्श हुआ है आगे की, कैसे किस प्रकार से जो है ना सारे काम करने हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है, और पिछली हमारी क्या कमियां रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है। तो सारा बिल्कुल जो है ना गपशप, आपस में बातचीत और सारा जो है ना बड़ा मैं कहता हूँ कि अच्छे सौहार्द में जो है ना सारी मीटिंग हुई है, और बहुत अच्छे इस मीटिंग के जो है ना सब लोग जो है इस मीटिंग से बड़े खुश हैं। माने मुख्यमंत्री जी ने चुनावी समीक्षा के साथ साथ भावी सरकार किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करे, कुछ ऐसे विचार थे जो अभी पिछली कैबिनेट में हमारे पेंडिंग थे, जो हम सोच रहे थे कि अगली टीम में आकर उसको लागू करने का काम करेंगे। हम परमपिता परमात्मा और हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया।